ये सॉफ्टवेयर है आपका GRBL अपलोडर। तो यहाँ से सिस्टम में CNC मशीन, यहाँ पे CNC का शील्ड लगाया हुआ है, ऑर्डिनो रिले कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ दो स्टेपर मोटर लगे हुए हैं, स्टेपर मोटर्स कनेक्टेड किया हुआ है इंजेक्शन मोल्ड के साथ में, जितना ML चाहिए उस हिसाब से हमें X और Y एक्सिस के मोटर को रोटेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है कॉम पोर्ट के साथ, इसको जैसे ओपन करोगे ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कनेक्ट हो जाता है तो ये यहाँ पे आपको कमांड्स दिखेगी, ये कनेक्टेड है करके, ये सारी बहुत सारी कमांड दिखती है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग क्या करके रखा हुआ है कि एक्स की कुछ वैल्यू भेजेंगे, वाई की कुछ वैल्यू भेजेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट कितना ML वो नीचे करेगा ऊपर करेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो यहाँ पे कमांड्स आती है, तो कमांड सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे X20। ठीक है, यहाँ पे X20 जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो इट विल रोटेट। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड रोटेट हो गया। सपोज इफ आई टाइप हियर Y20 अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये वाला रोटेट हुआ, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर जैसे मान लीजिए दोनों करना है हमें, सपोज मैं कर लेता हूँ X20 स्पेस Y20, दोनों साथ में घूमे, तो अब दोनों साथ में घूमे, X30 सपोज इफ आई एम गिविंग हियर X10 Y10, सो इट विल रोटेट द बोथ डायरेक्शंस। आफ्टर दैट वन मोर कमांड यू हैव टू टाइप टू ऑन दिस मोटर, तो रिले ऑन करने के लिए कमांड होता है यहाँ पे, तो मैं M3 टाइप किया, सो M3 टाइप करने के बाद इट विल रोटेट। ठीक है, अगर हम M2 टाइप करते हैं यहाँ पे ये रुक जाएगा, M3 को लिखो, सब लिखो, M3 पे वो रोटेट होगा और M2 पे वो रोटेट होगा।